किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर हरियाणा में राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है। हरियाणा बीजेपी नेता किरण के पार्टी में शामिल होने पर गदगद हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कांग्रेस को घेरते नजर आ रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर ने किरण चौधरी के पार्टी में शामिल होने पर खुशी जताई है, तो अभय चौटाला के दिल्ली को एक बूंद पानी न देने को लेकर उनके बयान पर असहमति जाहिर की है। स्वागत करते हैं, मैंने कल भी कहा था कि हम स्वागत कर रहे हैं, और किरण चौधरी जो है वो बहुत सीनियर लीडर है, सीएलपी लीडर भी रही अपना कांग्रेस की, और मंत्री भी रही वो, और कई बार विधायक चुनी गई है, तो बड़ी लीडर है। और मैं समझता हूँ कि चौधरी बंसीलाल जो के बहुत बड़े नेता हैं, उनके परिवार से हैं, तो उनका बहुत बड़ा नाम है चौधरी बंसीलाल जी का, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से उसका बहुत लाभ मिलेगा, मैं उनका स्वागत करता हूँ पार्टी में। बस है ना, जो उसकी सोच थी, जो विचार थी, उन विचारों को छोड़ के जिस प्रकार से काम कर रही, तो स्वाभिमानी व्यक्ति जो है ना, उसके लिए काम करना मुश्किल है। कई बार लोगों ने कहा भी है कि एक पार्टी का विरोध करने की बजाय ना, उन्होंने देश का भी विरोध करना शुरू कर दिया, कई विषय ऐसे हैं जहाँ वो उस प्रकार से, तो जो अच्छे स्वाभिमानी व्यक्ति हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उस प्रभाव तो पड़ता ही है उसका, सोचते हैं कि गलत है। तो मैं समझता हूँ यही कारण है, आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर जो कांग्रेस में बहुत बड़े लीडर थे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं या ऐसे हैं, जितेंद्र प्रसाद हैं और दूसरे लोग हैं, वो पार्टी छोड़ रहे, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी बड़ी संख्या में लोगों ने और पार्टियाँ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते उनकी बात से, और देखिए जरूरत के हिसाब से हमेशा मदद करते हैं, और हमने हमेशा मदद की दिल्ली की, कोई ऐसा नहीं है, और हमने उस पर कोई एहसान भी नहीं जताया इसका, हमने जो शेयर दिल्ली का रहा है उससे ज्यादा शेयर हमने हमेशा दिल्ली को दिया है। लेकिन ये बात अलग है कि वहाँ इस प्रकार की एक सरकार है जो अपनी कमियों को दूसरों के सिर पर थोपती है, चाहिए तो उन्हें था कि वो अपना प्रबंधन ठीक करें। अब मीडिया ने भी दिखाया कि किस प्रकार से पानी वहाँ बेकार जा रहा, उसकी लीकेज वो रोक नहीं सकते, या रोकने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। जो टैंकर माफिया है उसके साथ जो भी संबंध है, आज अखबार में भी आया, तो वो भी रोकने की जरूरत है। तो वहां की व्यवस्था का सुधार करने की जिम्मेदारी जो है वहां की सरकार की है, लेकिन हरियाणा सरकार ने हमेशा सहयोग किया। आपको बता दें कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को लेकर बीजेपी कांग्रेस की तरफ से सियासी वार पलटवार तेज हो गए हैं। अब देखना होगा आने वाले दिनों में किरण चौधरी बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाती है और कांग्रेस को इससे कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।